हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुकी हिमाचल से दिल्ली, और मैं अभी आई थी लास्ट वीकेंड पे। बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था हिमाचल से, ना बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज वहाँ का वेदर इतना अच्छा था। और आप जानते ही हैं, मैं हर बार ही अपने ब्लॉग में थोड़ा कुछ डालती रहती हूँ, आप देखते होंगे कितनी ग्रीनरी है वहाँ पे। सो मेरा आने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वहाँ से, बट फिर वही है कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं अपनी भी पर्सनल, तो आना पड़ा। और आते ही मेरा बर्थडे था 11 सितंबर, परसों मेरा बर्थडे था। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बर्थडे पे क्या क्या किया। ये भी बताना चाहूँगी, मेरा बर्थडे इतना एडवेंचरस रहा ना, मतलब घर से निकल के जैसे हम बाहर मतलब निकले गाड़ी लेके 11 सितंबर वाले दिन, इतनी बारिश हो रही थी, थ्रू आउट द डे बारिश होती रही। और जो नॉर्मल रोड भी थी ना, वो भी नहीं पता चल रही थी, ऐसा लग रहा था पूरी रिवर बह रही है, पूरी नदी ही बह रही है। सो अगर आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो उसमें मैंने थोड़ा कुछ शूट भी किया है इसके रिगार्डिंग, एंड आई होप किसी को नुकसान ना हुआ हो, बिकॉज काफ़ी डर लग रहा था। हमारी भी गाड़ी ना आधे से ज़्यादा पानी के अंदर चली गई थी व्हेन वी वर क्रॉसिंग अंडर पास। सो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा यार कि ये कितना मतलब वो है, स्केरी है। बच्चे मिलेंगे भी वहाँ पर इस टाइम पे? ओहो, वैसे हमारे पास एक और ऑप्शन है, साईं बाबा मंदिर के पास भी दे सकते हैं। हाँ, मेरा कूड़ा। ओ स्कूटी, स्कूटी भी डूब गई। ये तो ना, ये जब रोड नहीं पता चलती ना, ऐसा लगता है नदी बह रही है। कंटिन्यूअस बारिश हो रही है मेरे बर्थडे पे सुबह से। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी अपनी सिस्टर्स से मिलने के लिए। हमारा प्लान बना था कि मेरा बर्थडे हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, और उनसे मिले भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। और अब आप देखिए आगे रोड का क्या हाल हो रहा है। हम इस रोड पे आ तो गए थे, हमने सोचा रोड मतलब खाली है, स्ट्रेट है, सो इतना मतलब क्राउड होगा नहीं, लेकिन जब हम थोड़ा आगे गए तो देखा अंडर पास जो है पूरा भरा हुआ था पानी से, पूरा का पूरा भरा हुआ था। और जो गाड़ियाँ थी वो यू टर्न ले रही थी, कुछ गाड़ियाँ हिम्मत करके जो आगे गई थी वो आधी आधी डूब चुकी थी, सो धीरे धीरे वो आगे जा रही थी। गड्ढा गुड्ढा तो नहीं होगा? नहीं, गड्ढा नहीं है। जय साई राम। ये क्या कर बस धीरे धीरे लेते चलो, रोड तो प्लेन है ना, ये डर नहीं लग रहा आपको? फंस गई है हमारी, ये आइडिया बहुत ज्यादा कुछ मेरे को नीचे से आवाज आ रही है। क्या ये कोई स्कैम था, धोखाधड़ी वाली कोई स्कीम थी, या कोई नाकाम कारोबार? मानी माफिया डिस्कवरी। डराओ मत यार, बाप रे। अरे राम, हे राम, जय साई राम, जय साई राम। थोड़ा सा इस साइड लेने, इस साइड मेरे को बता। Wow.
तो फ्रेंड्स, इतना एडवेंचर करने के बाद हमारा मन किया थोड़ा एक 10 मिनट्स का स्टॉप ओवर ले लेते हैं, जो कि हमारा था खानदानी पकौड़े वाले के पास। तो हमने वहाँ रुक के पकौड़े खाए, मौसम अच्छा था इसलिए मन किया कि पकौड़े खा के चलते हैं। मेरी फेवरेट लस्सी आ चुकी है, हैप्पी बर्थडे टू मी। रुचि ना बड़ा मजे से आई थी। खुला है कहाँ पर है? स्पार्कलिंग कैंडल्स अभी हम जिस से जलाएंगे तो वहाँ पता है। मैं चीजू को बुला रही हूँ। बुकी का मिलने का मन कर रहा है बेडशीट ऊपर कर लो आप, नीचे तो लटक रहे हैं। ऊपर कर लो पैर रहने दे। उसकी गर्दन आगे आ रही है। हाँ मिलने का मन कर रहा है उसका। उसके पैर भी ना एक्चुअली इसके से पांव चाटे हैं तो शुद्धिकरण करेंगे। चलो 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 कुछ और है। आप केक खाओगे थोड़ा सा? तो बहुत करा दें वैसे नहीं, हल्का सा टेस्ट तो कर लो बस। अच्छा ज्यादा थोड़ी खाने के लिए कह रहे हैं आपको, थोड़ा सा मम्मी को टेस्ट करा दे बस। आराम से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बंद कर दो ये चॉकलेट, टेस्टी लग रही ना मेल्ट होके। मुझे फिर से तो चली नहीं पता, ये मैजिक कैंडल तो है नहीं, इसको पता है कि क्या चल रही है। चॉकलेट चिप नहीं, चॉकलेट टेस्टी लग रहा है यार। हाँ दे देना सबको, रुचि तू दे दे सबको। बस
क्यों क्यों कह रहा है? मम्मी लो हुआ चुप यार, कोई पर्ची भी नहीं छोड़ी मैंने यहाँ पे, नाम नंबर लिख देते ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरे दिन निकले साईं बाबा जी के मंदिर में बच्चों को दर्शन कराने के लिए। दूसरा दिन थोड़ा सही था, बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी धूप निकली हुई थी और हमने सोचा कि चलो साईं बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं हम भी बच्चों के साथ। कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम अंदर एंटर नहीं कर पाए, इसलिए सभी लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे थे और सब बाहर से ही आशीर्वाद ले रहे थे। फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग और होप करती हूँ आप इस ब्लॉग को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कॉमेंट करेंगे। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं पर लाइक बहुत कम आते हैं और शेयर तो होता ही नहीं है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।